हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जीपी। अभी तक अपन ने इस चैप्टर में एपी देखा था, यह नया टॉपिक है जीपी। जीपी का फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में तुमने देखा था एक सीरीज ऐसी होती है जिसमें हर दो दो टर्म्स का डिफरेंस बराबर होता है, 2, 4, 6, 8, हर दो दो टर्म्स का डिफरेंस 2 है, तो उसको एपी बोलते थे। जीपी में क्या होता है, हर दो दो टर्म्स का रेशियो बराबर होता है, जैसे 2, 4, 8, 16 डॉट। 4/2 करोगे तो 2, 8/4 करोगे तो 2, 16/8 तो 2। तो हर दो दो टर्म्स का यदि रेशियो बराबर है तो अपन इसको जीपी बोलते हैं। जैसे एपी की फर्स्ट टर्म ए होती थी, वैसे जीपी की भी फर्स्ट टर्म ए कहलाती है। जैसे इस क्वेश्चन में ए हो जाएगा 2, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो 4/2, 2, ये a हो गया, ये कॉमन रेशियो r, उसमें कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें कॉमन रेशियो होता है। अब जैसे ap की nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे gp की nth टर्म का फॉर्मूला होता है ar n-1। ap में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, इसमें ar n-1, R की पावर में आता है n-1। अब जैसे तुम्हें याद हो कि AP में अपन क्या करते थे, कि यदि फिफ्थ टर्म बोलिए तो हम उसको डायरेक्ट लिख लेते थे a+4d, सिक्स्थ टर्म बोलिए तो हम उसको डायरेक्ट लिख लेते थे a+5d। वैसे GP में क्या होता है, यहां टर्म का जो नंबर है R की पावर में देख रहे हो, उससे एक छोटा नंबर आता है, तो यदि फिफ्थ टर्म है तो हम उसको बोलेंगे ar4, सिक्स्थ टर्म है तो ar5। मतलब हमेशा जो R की पावर होगी वो टर्म के नंबर से एक छोटा होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एक क्वेश्चन है, सीरीज दिया 5/2, 5/4, 5/8 डॉट। तुमसे बोला है फाइंड द 20th टर्म, इसकी 20th टर्म अपन को निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म ए होगी, तो ए हो गया 5/2, कॉमन रेशियो निकाला, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 5/4 अपॉन 5/2। ये 5/4 ऐसे ही है, नीचे वाला रिवर्स हुआ, 2/5 हो गया, 5 से 5 कट गए, तो ये आ गया 1/2। ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, निकालना क्या है, 20th टर्म, a20 ar। अब मैंने क्या बोला कि जो टर्म का नंबर है R की पावर में, उससे एक छोटा नंबर आएगा, तो यार 20 है तो R की पावर में आएगा 19। वैल्यू रख देते हैं, A रखा 5/2, R रखा 1/2, पावर 19। 1 की कोई सी पावर 1, 1 × 5, 5। 2 की पावर यहां आएगी 19 और यहां 1, 20। तो आंसर आ गया 5/2 to the power 20। ओके, अब सपोज यदि अपन को सीरीज की कोई टर्म दी है और पूछा जाता है कि उस टर्म का नंबर क्या है, तो वो भी अपन इससे निकाल सकते हैं। जैसे हमें सीरीज दी है 2, 2√2 ……128। अब बोला है 128 इस सीरीज की कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है, मतलब टर्म का नंबर n निकालना है। सेम फॉर्मूला, an = ar n-1, an रखा 128, a रखा 2, r कॉमन रेशियो 2√2/2, सो 2 बढ़ जाएगा √2, पावर n-1। ये 2 नीचे आके डिवाइड, 2 6 12 2 4 8 64, √2/(n-1)। अब ये जो 64 है, इसको हम सोचेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे, 64 को अपन लिख सकते हैं 2 to the power 6, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 64 होता है। ये √2 है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और होल पावर में n-1 है। ये 1/2 × n-1, तो n-1/2 हो गया। अब देखो बेस सेम,
तो पावर इक्वल, इन दोनों को इक्वल कर देते, तो 6 इक्वल टू एन माइनस वन बाय टू क्रॉस मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 13, तो एन की वैल्यू आ गई 13। तो ऐसे अपन को पता चल गया कि 128 इस सीरीज की 13th टर्म है। आगे समझ में। अब जैसे बच्चों अपन ने एपी में सम का फॉर्मूला देखा था, एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, वैसे जीपी में भी सम का फॉर्मूला होता है। जीपी में सम का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, और यही जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये तब लगता है व्हेन आर इज लेस देन। इसमें दो फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाना है वो उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा आर कितना है, वन से बड़ा है कि वन से छोटा। जैसे क्वेश्चन है 0.15 0.015 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। अब हमें निकालना है सम 20 टर्म्स तक। फर्स्ट टर्म ये हो गई, तो ए आ गया 0.15, कॉमन रेशियो निकाला 0.015 अपॉन 0.15, इसका पॉइंट हटाया तो अपॉन में 1000, इसका पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100, 15-15 कट गए, 100 ऊपर 1000 नीचे, तो 100 अपॉन 1000 1 अपॉन 10 आर की वैल्यू आ गई। ए पता चल गया, आर पता चल गया। अब आर क्या है 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 मतलब 0.1, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड वाला वैल्यू रख देते हैं, एस इज इक्वल टू ए 0.15 1 माइनस आर, आर था 1 अपॉन 10, पावर एन, एन कितना है 20 अपॉन 1 माइनस आर, आर था 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 मतलब 0.1, तो हो गया 0.15 1 माइनस 0.1 0.9, बाकी ब्रैकेट वाला 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20, ये ऐसे कैसे है? बस इसको सिंप्लीफाई करा, 0.9 में अपन एक जीरो लगा सकते, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 6 90, आगे आंसर 1 अपॉन 6 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20। तो ऐसे बच्चों अपन ने आज देख लिया कि यदि जीपी दी है तो उसकी हम कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं। फिर अपन ने देखा कि यदि अपन को कोई टर्म दी हुई है और पता करना है कि उसका नंबर क्या है तो वो अपन कैसे पता करते हैं, और फिर हमने देख लिया कि यदि कोई जीपी दी है और उसका सम निकालना है तो अपन उसका सम फॉर्मूले में रख के कैसे निकाल सकते हैं। तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो वर्कशीट में तुम्हें मिलेंगे, उनको सिंप्लीफाई करो, कोई भी डाउट आए तो मेरे को भेजो। थैंक यू।